मदीद नाजरीन, नया इंकलाब न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं मोहम्मद हाजी अली, बढ़ते हैं आज की अहम खबर की तरफ। वालेकुम। वादी सालेहीन वार्ड नंबर 10 से बोल रहे हैं हम लोग। यहाँ पे हर एक चीज़ की परेशानी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह से यहाँ पे नालियाँ हैं। मासूम बच्चे हमारे बाहर निकल के खेल नहीं सक रहे, बच्चे बीमारा पड़ जा रहे, मच्छर बस बोले तो मच्छर आ रहा है गंदे पानी से, बच्चों को बुखार आ रहे, डेंगू आ रहे, दवाखानों को लेके फिर रहे हम लोग। इलेक्शन से पहले आके हम लोग कने आए, सबको मिल लिए, हाथ मिला लिए, अच्छे मिठ्ठे बाता बोल लिए, चले गए, सब करते बोल के चले गए, मिठे मिठे बाता बोल के चले गए। आके देखे तक भी नहीं इलेक्शन के बाद, फटके नहीं यहाँ पे गली में बनाते बोल के देखिए, आप खुद देखिए देखिए कैसी हालत हो गई गली की। मासूम बच्चे खेल रहे हैं यहाँ पे, बच्चों को बुखारा हो रही, और मशीना भी देते बोले हम लोग को, सिलाई मशीना भी देते बोले। अब तक वो मशीनों का आता है ना पता है, पूरी लेडीज और पूरे जाके हम लोग जाके भी आए, हम लोग बेवकूफी से बुलाते हम लोग बोल के, खाली टाइम वहाँ से भिजा देते, फिर फुकड़ के पैसे डाल के जाना, वहाँ से भी पैसे डाल के आना। हम लोग आके देखो हमारे गली में कैसे तमाशा होगा रोडों का, मासूम बच्चे खेलना नहीं खेलना गली में, पैसे हम लोग पहले तो बोले हम लोग बोले के हम लोग तुम लोग डालो हम लोग डाल दे। ड्रेनेज का हुआ काम तो थोड़ा अच्छा रहता, आगे भी आप देखो चल के पूरा वैसी है पूरा, कम से कम ड्रेनेज का काम तो भी हुआ तो थोड़ा क्या है, रोड का ड्रेनेज का, बच्चे खेलते करते तो कैसा जाएंगे स्कूलों को, ये लोगों स्कूल को जाने करने मुश्किल है, गाड़ी आने मुश्किल है, कोई ऑटो वाला भी आगे नहीं लेके आता तो बोल रहा बच्चों को पढ़ाई के लिए। तो ये तो भी काम कम से कितने साल हो गया डेवलप हो के एरिया वो हो के, 25 साल 30 साल होने को आगे कुछ नहीं हो रहा, मच्छर आके बीमार हो जा रहे हैं बच्चे, भाई बच्चे बीमार हो जा रहे हैं, मच्छर का ही बहुत वो है। भाई मैं वादी सालेहीन वार्ड नंबर 10 जो शमशुद्दीन साहब का इलाका है, शमशुद्दीन साहब जब से आए हैं जब से हम उनको हर बार इस गलियों के बारे में बोले, खाली उन्होंने हमको चॉकलेट दे रहे और कुछ नहीं। अब हम ये सोच के ये फैसला करके रखे हैं ये 5-6 गलियाँ वाले, अगर इनके जिनो अगर नहीं करेंगे इस दरमियान काम तो इंशाल्लाह हम जो है सो म्यूनसिपल के पास धरना देंगे और मेन हाईवे रोक देंगे, हाईवे जाम, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जो है सो कितने सालों से हो ऐसी ठहरे, ना बन रहे ना कर रहे, पानी की भी लाइन अब अल्लाह का शुक्र है अब शुरू हुई ना, ये ना पानी, चलने की तकलीफ, बच्चे गिर जाते, और फिर जो है सो कुत्ते वैसी है, और क्या बोलते सो ये चार रोडा तो बिल्कुल भी नहीं गिनते में नहीं आते, कौन कोई लीडर ही नहीं है बोलते, हाँ लीडर नहीं है आपकी गली का, तो आखिर लीडर नहीं है तो फिर वोटा देते वक्त कई को आते होंगे, जब आते फिर ये देखना भी तो चाहिए ना। सविता जी आए खाली झंडा खींच के चले गए, नहीं प्लेट का काम तो शुरू करना ना, मेन रोड का काम हो गया भी शुरू नहीं करे कुछ भी, मेन रोड का थोड़ा कर दिए नहीं करे बल्कि नहीं, उतना ही नहीं है ना, मेन रोड के आगे अंदर लोग रहते, ये 4-5 गलियों को तो कोई देखते ही नहीं, वो खुर्शीदिया मस्जिद की गली हमारी तो इतनी खराब है ना, बच्चे खेल सकते हैं ना कुछ नहीं क्या नहीं, पूरा पैंप लेना पूरा उखड़ गया नहीं, ये क्या तो ड्रेनेज का काम होना जरूरी है क्या, मोहरियों की यही हालत है अभी तक, मच्छर बहुत है, बच्चे बीमार पड़ रहे, ड्रेनेज भर के भय थे, और पाँव में तकलीफ है, ये गड़े खोदड़े उंगल के आना, ऑटो भी नहीं आ रहे अंदर, बुक करा है तो आके कैंसिल कर दे रही, ऐसे रोडा है कब तक रहना ऐसा, डेनी जाम भर रहे हैं हर महीने कुछ 600 रुपए दे के गड़ा साफ करा है, ये सही कराओ काम, अम्मा आते अम्मा आके कराते, अम्मा भी आए कुछ भी नहीं, सब तालमा ठंडे बोले नहीं डाले हम लोगों को इलेक्शन पे, अब न्याज को हम हमारे महिले के हैं, हम कराते बोले तो न्याज को नहीं करना बोल रहे, फिर कैसा करना, ये पूरी कैसी है बस्ती देखो आप लोग, पहले तो बोले वहाँ गए सविता रेड्डी कने गए वहाँ गए यहाँ गए शमशुद्दीन कराते कराते बोले, तुम लोगों को कई का डर बोले, कुछ करते नहीं हो, न्याज को कराते बोले तो वैसा भी नहीं दे रहे, अब कौन करना, अब यहाँ देखो मच्छर बच्चे पूरे कुत्ते वो सब बहुत मुश्किल है यहाँ पे, बच्चे जाने सकते हैं बोल के डर के कुछ कर रहे नहीं यहाँ पे, तो कितने खुद दो तीन खुद जाके सभी तरह टिकने चलो चलो बोले तो अच्छी बात है, बोलो कुछ भी करते बोलते गए सो हमारे को कुछ भी नहीं करे सो क्या फायदा है, उन लोगों को फुके फाखे सोप गए सभी तरह टिकने आना बोले तो, अब न्याज को हम हमारा महिले के है हम कराते बोले तो उनको भी नहीं करना कहते, अब कौन करना है खड़े के।